So what is up guys, this is RJ and you are watching the RJ Vlogs. So from now I would be introducing myself as RJ, as my channel name suggests, the RJ Vlogs. And Raghav to I guess sabko ab tak pata hi chal gaya hoga. So welcome back to the channel and I am back with a new vlog. Those who are new to the channel, you are most welcome. Actually you have completed the family of 350 subscribers. Not much but still feels really great. So welcome back to the channel. तो भैया मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड डू हैव प्रेस द बेल आइकन कॉज नाउ आई वुड बी पोस्टिंग माई वीडियोज विद अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 वीडियोज अ वीक. सो मेक श्योर यू हैव डन दैट और आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग की तरफ. तो हाँ जी भैया, तो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं का भी प्लान बनाते हैं, सबसे पहले तो बारिश शुरू हो जाती है. बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है एंड लाइक हवा भी बहुत तेज़ चल रही है. तो अब क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला व्लॉग भी हमारा बारिश के चक्कर में थोड़ा स्पॉइल हो गया था, बट आई विल ट्राई, ये वाला नहीं होगा. सो देखते हैं, अगर अभी बारिश रुक जाती है तो चलते हैं, वरना तो फिर सुबह मॉर्निंग में ट्राई करेंगे. हम एक अच्छी लोकेशन पर जा रहे थे, सोचा थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेंगे और शूट कर लेंगे, बट ये बारिश क्या बताऊँ. I'll meet you in the morning. A few moments later. So finally guys, बारिश रुक चुकी है, शाम ही हो रही है, मॉर्निंग नहीं है. तो हम फटाफट से चलते हैं अपनी लोकेशन पे, कॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो गए इस बारिश के चक्कर में. तो मिलता हूँ मैं आपको लोकेशन पे. टिल देन हमेशा की तरह रास्ते का मजा लीजिए. आई मीट यू एट द लोकेशन. हाँ जी भैया, तो अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं. रास्ते का मज़ा आप इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था. अगर आप देखते तो आप खुद उछल उछल के गिर जाते. बहुत ऑफ रोड था और अभी अभी बारिश भी हुई है तो थोड़ा ख़राब था. तो हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं. मंदिर सामने ही है और तो ये मंदिर राजपुर से थोड़ा अंदर जाकर है. इस मंदिर का नाम बेसिकली सूरा देवी मंदिर है और काफ़ी जंगल में अंदर जाकर है. और ये राजपुर से निकलता है एक रास्ता, इसका थोड़ा ऑफ रोडिंग करना पड़ता है 2 to 3 किलोमीटर्स का. तो बस हालत ख़राब हो गई है और ये बहुत साइलेंट है. एटलीस्ट यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही इस समय. और हमने तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर भी लग रहा था, बट अब हम पहुँच चुके हैं, आइए आगे चलते हैं. सो गाइस, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और जूते वगैरह हमने वहाँ उतार दिए. तो अब हम मंदिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. आओ. यहाँ पे लिटरली बहुत शांति है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों है. Thank you.
भाई जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग बहुत मंदिर में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, हम लंबी लंबी लाइन में लगते हैं और कभी कभार तो दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलता। बट ये मंदिर ऐसा है, यहाँ बहुत शांति है, सिर्फ हम दोनों ही हैं अभी तक, लिटरली कोई भी नहीं आया है और बहुत अच्छा है। चारों तरफ जंगल है और मतलब बेसिकली एक पहाड़ पे है, थोड़ा तभी ऑफ रोडिंग करके ऊपर आना पड़ता है, और ऐसी जगह पे आके लिटरली बहुत शांति और दिल को सुकून मिलता है। तो गाइज इस मंदिर पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो जिससे हम आए स्कूटी से ऑफ रोडिंग करके, बट एक ये पैदल रास्ता है जहाँ से मैं आई गेस ये भी आके राजपुर रोड पे ही जाके निकलता होगा, बट हम लोग को उधर से आए क्योंकि हम स्कूटी से आए हैं। ये वाला रास्ता एक्चुअली मेरे को पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, तो हम नहीं जाएंगे इस रास्ते पे, अब वहीं से वापस जाएंगे। तो गाइज अब हमें थोड़ा लेट हो गया है, अब हम निकलते हैं, हमने पूरा मंदिर घूम चुके हैं और बाकी जैसा कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे, मतलब लिटरली शाम के समय आए थे, बस बारिश की वजह से थोड़ा हिल गया। बाकी अब हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि अब नीचे भी उतरना है हमको और रोड भी थोड़ा ख़राब है और बाकी डर भी लगता है थोड़ा जंगल में अंधेरे होने से। तो हम निकलते हैं यहाँ से और अब आपको हम रास्ते का थोड़ा बहुत मज़ा दिला देंगे, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Make sure you have subscribed this channel और ऐसे vlogs आपको मिलते रहेंगे, stay tuned और मिलते हैं अगले जब भी। Guys हम ऐसी नई नई जगह आपके लिए explore करते रहेंगे और नई नई जगह रोज़ हम कहीं ना कहीं जाएंगे और आपके लिए vlog shoot करेंगे। तो as a return, छोटा सा return, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग देखते हैं वीडियोज़ मेरी, बट हाफ ऑफ देम आई हैवंट सब्सक्राइब कर लिया है, तो प्लीज़ कर दो और डू कमेंट योर रिएक्शन इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता लगे और मैं इम्प्रोवाइज करूँ उस चीज़ को। और बाकी लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।